आज हम बात करेंगे शंकराचार्य के आए आदेश पर, जिन्होंने ये आदेश दिया है कि आदि विश्वेश्वर विराजमान की पूजा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रकट होने के बाद उन्हें बिना पूजा या भोग के नहीं रख सकते। लेकिन सवाल कानून का रहा है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर क्या शंकराचार्य और कोर्ट की जो गरिमा है उसके बीच टकराव की स्थिति आ गई है। सवाल ये भी है कि इस आदेश से कहीं माहौल तो खराब नहीं हो जाएगा, और सवाल ये भी है कि शंकराचार्य की बात करें तो सनातन धर्म का सर्वोच्च पद है, ऐसे में अब लोग उनके आदेश पर चलें या फिर कोर्ट की गरिमा का पालन करें, ये असमंजस भी खड़ा हो गया है। ऐसे में तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि मामला क्या है। काशी के ज्ञानवापी मामले में अब शंकराचार्य की एंट्री। विश्वेश्वर महादेव की पूजा का जारी किया फरमान। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने वाराणसी भेजा प्रतिनिधि। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने हमको आदेश किया कि तुम बनारस जाओ, बनारस जा करके समस्त सनातन धर्मियों की ओर से पूजा आरंभ करो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया महादेव की पूजा का ऐलान। जब अदालत में है मामला तब ऐसा ऐलान क्यों? आस्था के नाम पर ये जिद कितनी जायज? अभी तक हम न्यायालय में बहुत से लोग गए कि पूजा के लिए अवसर दीजिए, न्यायालय कहता है हम 4 जुलाई को सुनेंगे इस बारे में, तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? अगर माहौल बिगड़ा तो कौन होगा जवाबदेह? ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते, लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को नहीं समझ रहा है। जब राम मंदिर में न्याय का इंतजार किया तब ज्ञान वापी में क्यों नहीं? उत्तर मांगी प्रदेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।